लोन कुछ आदमी का मिला है और मोदी जी के गारंटी में भरोसा तो है ही है, भरोसा कैसे नहीं है। पहला के बाद 10,000 मिला, फिर उसके बाद 20,000 मिला, तो लोन चुकता हो गया, फिर 50,000 देने के लिए मोदी जी तैयार है। हम तो यही कहेंगे कि किसी के बात पर भरोसा नहीं है, कब कैसे पलट जाएगा इंसान कोई नहीं जानता। ना हमने कुछ बोलबे नहीं करेगा, भरोसा नहीं हमको, काहे नहीं बोलेंगे ना उकरा, वो उकरा भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा नहीं है? मोदी जी पर। जो भी आप योजना आते हैं उसको सबसे पहले पब्लिक तक वो कैसे पहुंचे? बहुत सारा ऐसे योजना है जो पब्लिक को पता ही नहीं है, उनके पर कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ पेपरे तक है उनका भरोसा। बोलते हैं कि ये जब पटना के रहने वाला के मिलेगा, हम सब तो डियर पे सोनपुर रहते हैं, यहाँ कहते हैं कि जैसे सोनपुर का आपको खाता है तो यहाँ हम पैसा नहीं देंगे। मोदी जी लोन दिए हमारा 10,000 वाला मिला, 50,000 वाला मिला, 20,000 फायदा हुआ, 15 लाख वाला तो गारंटी नहीं दिए ना। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मेरा नाम है प्रभात। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र संकल्प पत्र के नाम से जारी किया है। उसमें एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया है, उनका दावा है कि 63 लाख से अधिक लोगों को जो रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाते हैं उन्हें पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन मिला है और उन्हें सशक्त बनाया गया है, और आगे भी खोमचा ठेला या और भी जो छोटे छोटे उससे भी छोटे जो दुकानदार हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। अब ऐसे में हम पटना के सब्जी मंडी में आए हुए हैं ये जानने के लिए कि क्या लोगों को लोन मिला और क्या उन्हें मोदी की गारंटी पे भरोसा है कि उन्हें लोन मिलेगा या नहीं। आइए हम जानते हैं, बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार यादव। सुधीर जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि मजदूरों को सशक्त बनाया जाएगा, श्रमिकों को सशक्त बनाया जाएगा, आपको मोदी गारंटी पे भरोसा है? भरोसा नहीं है। क्यों? ऐसा ही भरोसा नहीं है। ये ये अच्छा, आपको पैसा मिला है पीएम स्वनिधि योजना का? नहीं मिला है। नहीं मिला है? चलिए आइए, कुछ और भी दुकानदार हैं, इनसे भी हम बातचीत करके जानने की कोशिश। भैया, क्या नाम है आपका? मनोज राय। थोड़ा जोर से बोलिए। मनोज राय। मनोज जी, ये बताइए, आपको प्रधानमंत्री मोदी गारंटी पे भरोसा है? है, ये है, थोड़ा बहुत तो है ना, है मंत्री है, भरोसा है, ये है, प्रधानमंत्री है तो भरोसा क्यों नहीं है। आपको लोन मिला है पैसा? लोन नहीं मिला है। किसी को मिला है सब्जी मंडी में? और सब लोग जो प्रयास किया उसको मिला है। जो प्रयास किया उसको मिला है? हाँ। आपको भरोसा है कि अगली बार जब आएंगे तो मिलेगा? अब ऐसे कैसे कहा जाए, मतलब भरोसा होगा तभी तो। भरोसा तो है ही है, प्रधानमंत्री तो भरोसा क्यों नहीं रहेगा। आइए चलिए, एक और चाचा है, इनसे भी बातचीत करेंगे। चाचा, क्या नाम है? शर्मा नंदराय। कितना दिन से बेच रहे हैं? हम तो करीब 30 साल से सब्जी बेच रहे हैं। मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है? लोन कुछ आदमी का मिला है और मोदी जी की गारंटी पे भरोसा? भरोसा तो है ही है, भरोसा कैसे नहीं है। हाँ, भरोसा है। लोन मिला है आपको? लोन हम नहीं लिए है, इसे और आदमी लिया है। हाँ, और आदमी लिया है, आप काहे नहीं लिए? हम नहीं लिए, उस जगह तक ले हम नहीं पहुँचे, अपना काम में लगा रह गए। आइए, एक महिला भी है, इनसे भी बातचीत करेंगे, महिला दुकानदार है। क्या नाम है चाची? सविता देवी। आपको लोन मिला है? हाँ मिला है। कैसे मिला? बैंक में आया था तो बोलिन कि मोदी जी की लोन आयल है बैंक वाला आदमी हमको। हाँ। तो हम कहे कि ठीक है, उठा लेते हैं। कितना मिला पैसा? पहला के बाद 10,000 मिला, फिर उसके बाद 20,000 मिला। हाँ। तो लोन चुकता हो गया। हाँ। फिर 50,000 देने के लिए मोदी जी तैयार है। हाँ। तो लेने के लिए हम भी तैयार है। हाँ। तो बैंक में मोदी जी की गारंटी में भरोसा है? किसी के भरोसा नहीं है। ठीक, मोदी जी कह रहे हैं कि हमने आप लोगों को सशक्त बनाया था, आपको भरोसा है? हम तो यही कहेंगे कि किसी के बात पर भरोसा नहीं है, कब कैसे पलट जाएगा इंसान कोई नहीं जानता। ठीक ना, तो हम कैसे कहें कि विश्वास है? कुछ कुछ तो रिलीफ दिए हैं गरीब को। ठीक ना, मिला है आपको फायदा? फायदा क्या मिलेगा, यही है कि वो लोन दे रहे हैं तो कोई सूद ब्याज नहीं ले रहे हैं। ठीक ना, मूलधन ही लेते हैं, बस इतना ही। चलिए आइए, कुछ और दुकानदारों से भी हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। महिला थी, महिला कह रही हैं कि लोन मिला है। आइए चाचा, आपका नाम क्या है? ना हमने कुछ बोलबे नहीं करेगा, भरोसा नहीं हमको, काहे नहीं बोलेंगे ना उकरा, वो उकरा भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा नहीं है? मोदी जी पर। कहा बोल के कहा करेगा ना,
मोदी जी कह रहे हैं कि सबको लोन मिला है, तो आपको मिला है? नहीं, लोन तो नहीं मिला हमरा। हाँ, नहीं मिला। वो तो चाची कह रही है कि मिला है। अरे उनको मिला है, हमको नहीं मिला है सर। आपको कहा नहीं मिला? देखिए कहा नहीं मिला से तो आप वही जानेंगे। हाँ। कहा बोले न। चलिए आइए कुछ और लोगों से भी हम जान के बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे। जी आप कुछ कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जितने भी योजना धरातल पर ला रहे हैं, तो सबसे पहले जिनके लिए वो योजना आ रहा है, तो सबसे पहले जैसे अभी कैसे इलेक्शन का समय आ गया है तो अपना ये प्रचार कर रहे हैं, तो उसी तरह से जो भी योजना पब्लिक के लिए ला रहे हैं, चाहे जो भी वर्ग का पब्लिक हो, तो उसको कैंप लगा करके सबसे पहले उसमें जागरूक करना चाहिए। और ये काम है यहाँ जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनका काम है, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि जो भी है एक बार जीत के जाते हैं तो फिर दोबारा वो नज़र नहीं आते हैं, है ना। तो मोदी जी को ये चाहिए, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये हम कहना चाह रहे हैं, तो जो भी आप योजना आते हैं उसको सबसे पहले पब्लिक तक वो कैसे पहुँचे, पब्लिक को पहले जानने दीजिए, पब्लिक जाने तब पब्लिक को लाभ मिलेगा। अभी बहुत सारा ऐसे योजना है जो पब्लिक को पता ही नहीं है, तो पब्लिक उस योजना का लाभ कैसे उठाएगा? तो सबसे पहले हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि उस योजना का प्रचार प्रसार करें। कैसे अभी टीवी में आ रहा है, ऐड आ रहा है इलेक्शन का, उसी तरह से हर घर घर योजना के बारे में पहुंचना चाहिए। इसके बाद ही योजना का लाभ मिल पाएगा, सारे पब्लिक को मिल पाएगा। चलिए आइए कुछ और लोग। चाचा यहाँ पे दुकान लगाते हैं क्या? प्याज का दुकान है। वो आपका दुकान है जी? मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है? नहीं भरोसा है। क्या है? खाली पेपरे तक है उनका भरोसा। चाची तो कह रही है कि लोन मिला है, आपको नहीं मिला? नहीं। क्यों? एक का दुका को दिया, छोटू सो एक का दुका को दिया। हाँ। सभी को नहीं। आपको क्यों नहीं मिला? दौड़ बढ़ा के कल आइए परसों आइए बस यही बात है। अगर अगली बार चुन के आते हैं तो आपको मिलेगा लोन? भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है उनके पर, कोई भरोसा नहीं है, सिर्फ पेपरे तक है उनका भरोसा। यहाँ पे एक और भी दुकानदार भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? रणधीर कुमार। रणधीर जी ये बताइए, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा है? कोई भरोसा भी नहीं है हमसे। क्यों? क्योंकि पहले से बोल रहे हैं जो तक काम ही नहीं हो रहा है, लोन पास होगा। चाची तो कह रही है कि मिला है? हम सबके नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? बोलते हैं कि ये जब पटना के रहने वाला के मिलेगा। हम सब तो दियर में सोनपुर रहते हैं, तो मांगते हैं पटना के आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब। जो पटना का है उसको मिल रहा है? पटना के एक आध आदमी के मिला हुआ है, दियर के नहीं मिला हुआ। दियर को नहीं मिला ना? तो आपने कभी कोशिश नहीं की कि दियर में उठाए लोन? ना, दियर में हम सब नहीं कोशिश की। हाँ बोलिए। अच्छा ये बताइए, मोदी जी गारंटी पे भरोसा है? नहीं है। क्यों? देवे नहीं करता, कोई गारंटी लेता है कुछ देवे नहीं। अच्छा ये बताइए, लोन मिला है आपको फुटकर वाला? नहीं मिला। अच्छा इस मंडी में किसी को मिला? हाँ दो चार होके मिला, बाकी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला आपको? हमको देवे नहीं करता, मिला कहा नहीं। आपको मोदी जी के गारंटी पे भरोसा है कि अगली बार आएंगे तो आपको पैसा देंगे? गारंटी पर भरोसा है, लेकिन पैसा मिले तब तो। कहते हैं, कह रहे हैं कि अब 63 लाख लोगों को दिए हैं। यहाँ कहते हैं कि जैसे सोनपुर का आपको खाता है तो यहाँ हम पैसा नहीं देंगे। सोनपुर का खाता है तो सोनपुर जाएगा तब मिलेगा। किसी को मिला है इधर? नहीं, सोनपुर वाला का नहीं मिला है, पटना वाला का मिला है। पटना वाले को मिला? हाँ। किसको मिला है इधर? सामने वो का हुआ है दोनों। अच्छा उनको मिला है? हाँ, फिर वो साइड में मिला है। अच्छा आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। भरोसा है मोदी जी पे? हाँ तो मिलेगा तब ना भरोसा होगा। जब मिलवे नहीं किया तो भरोसा क्या चीज का है? जब मिलवे नहीं किया तो भरोसा क्या चीज का है? जब हम अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में कहता है कि मिलवे नहीं करेगा वहाँ का, तो हमको क्या भरोसा है? मोदी जी लोन दिए? हमारा 10,000 वाला मिला, 50,000 वाला मिला। 50,000 वाला? हाँ। फायदा हुआ? फायदा है ये। हाँ। कितना दिन में चुकाना था ये वाला? 50,000 वाला 36 महीना में चुकाना है। ब्याज लगता है का? हाँ ब्याज तो लगवे करता है। 4,000 रुपया बोला है कि लगेगा ब्याज। हाँ ब्याज लगता है। मोदी जी के गारंटी पर भरोसा है? अब देखिए, अब अखनी कैसे कह सकते हैं, हमको तो कर्जा के रूप में मिला, हमको कर्जा के रूप में मिला है। बैंक से हमारा इंटरेस्ट लेवे करता है, तो बैंक इंटरेस्ट लेता है? हाँ बैंक साफा करता है कि इंटरेस्ट लेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि आप आएंगे तो और भी ज़्यादा लोगों को देंगे। अब देखिए, अब ज्यादा लोग के देते हैं कि कम लोग के देते हैं, अब तो उनका ऊपर ना है। चाची क्या नाम है? नगीना। नगीना जी ये बताइए कि लोन मिला मोदी जी वाला आपको? अरे एगो लोन मिला तो मान सकते हैं कि एगो 10,000 के लोन दिया, बस वही देकर रह गया। आपको मिला? हाँ हमरा मिला। हाँ। हमरा मिला। फायदा हुआ उससे? कौची फायदा होगा 10,000-5,000 में? देखो जहाँ है गरीब आदमी वहाँ उजाड़ देता, पुजार देता है। 50,000 वाला आपको नहीं मिला? ना ना बेटा।
50,000 वाला नाम। अच्छा ये बताइए मोदी जी पर आपको भरोसा है? कोती भरोसा है, उजार जे हो जहाँ बसल रहता गरीब आदमी वहाँ उजार का फेंक देता है। हाँ। तो जेकरा का है किसी आयल मोदी जी, जेकरा घर द्वार ना है वो तो रोटे पर रहेगा। ओह हाँ। उजार के फेंक देता है, ना देखता है गरीब के, कोई चीज 10,000 रुपया से का हो जाना है, पूजी हो जाएगा आदमी गरीब के। लेकिन आपको मिला था लोन? हाँ हमारा मिला था। लोगों ने बताया कि इन्हें भी पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है, तो इनसे भी बातचीत करके हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इनको लाभ हुआ या मोदी जी गारंटी पे इन्हें भरोसा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। राजेश जी प्रधानमंत्री वाला लोन मिला आपको? हाँ मिला है। कितना मिला था? एक मतलब 10 लिए थे, फिर 20 लिए है। हाँ। इधर हाल फिलहाल लिए है। हाँ। फायदा हुआ उससे? फायदा क्या हुआ, वही पैसा से तो दुकान से बिजनेस कर रहे हैं, दुकान का बिजनेस कर रहे हैं। हाँ तो फायदा हुआ ना जी? हाँ फायदा तो होगा नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, लोगों का भरोसा है, आपको क्या लगता है मोदी जी क्या गारंटी देंगे? 15 लाख वाला तो आया ही नहीं। अच्छा 15 लाख का भी नहीं आया? वो अकाउंट में आया ही नहीं, कहे जीरो धन योजना में 15 लाख का आएगा। 20,000 से फायदा हुआ ना? 20,000 से फायदा हुआ, पर 15 लाख वाला तो गारंटी नहीं दिए। ज्यादा चाहिए, 15 चाहिए आपको? हाँ ये दुकान उन्हीं का पैसा से लगाया आप? उस पैसा से हम रोजगार किए हैं। हाँ, रोजगार की। हाँ बस और क्या। तो मोदी की गारंटी में भरोसा है? अब आगे देखिए क्या होता है ना होता है। तो हम पटना के सब्जी मंडी में मौजूद थे, हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री की गारंटी पे लोगों का भरोसा है या नहीं है। ये जानने के लिए हम पटना की सब्जी मंडी में आए हुए थे, यहाँ के दुकानदारों से बात कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दावा किया था कि 63 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी वालों को लोन दिया गया और उन्हें सशक्त बनाया गया। तो यहाँ पे जो है वो मिली जुली प्रतिक्रियाएँ थी। कई लोग जो हैं वो पटना से बाहर के थे, तो उन्हें बाहरी बता के लोन नहीं मिला था, उन्हें शिकायत थी इस बात की। तो कई सारे पटना के जो लोग थे उन्हें इस लोन मिला है, इस योजना का लाभ मिला है, और मोदी की गारंटी पर कुछ लोग भरोसा जता रहे हैं और कुछ लोग मायूसी जता रहे हैं। बहरहाल आप लाइव सिटीज़ देख रहे थे। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।